अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो आज मैं जितना भी खाना मतलब बना है और जिस खाने में मैं हाथ लगाई हूँ, मैंने सोचा कि आज मैं सारी चीज़ों का वीडियो मैं शेयर करूँ। तो ये तो भाजन सीख लगा रहे थे तो इसमें मैंने भी हेल्प किया और मेरे फ़ोन में वीडियो था तो मैंने सोचा कि मैंने आज मैं वो सारे वीडियो शेयर करूँगी जिस जिस खाने में मैंने हेल्प किया है। तो ये देखिए, यहाँ भाजन सीख लगा रहे हैं और ये एक एक रोल सबको मिला है। ये मेरे बेटे के हाथ का रोल है और मैं आप लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में, मैं हर चीज़ दिखाऊँगी आज की वीडियो में। और ये देखें, ये बकरीद का गोश्त था तो हमने इसको बना लिया, इसी में बना लिया, जबकि भाभी बोल रही थी कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने इसको इसमें बनाया और ये 20 मिनट में ये मटन बन के तैयार हो गया था। आप लोग देख सकते हैं ये एकदम खस्ता जैसा हो गया था। अभी मैं इसको चला करके मैं फिर से दोबारा डाल दूँगी कि एक तरफ को और अच्छे से हो जाए। मैं 5 मिनट के लिए फिर से रख देती। वो मेरा तैयार हो गया है और उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पुलाव था तो मैंने इसमें डाल करके गरम करके और बेटा को सुबह का नाश्ता करा दिया। और ये देखिए, ये बकरीद की बिरयानी है। जो कि मेरे ये बिरयानी मेरे आंटी ने बनाया था इतने बड़े उसमें। ये सब लोग खाना खा चुके थे, मैं ही बची थी तो बच्चा कुचा खाना मैं खा रही हूँ। और ये शाम की चाय, टिक्की, नमकीन। ये आप लोग देखिए, दाल वाली पूड़ी है और आलू का भुजिया सलाद और यहाँ कद्दू और चने के दाल की सब्जी। ये सुबह का नाश्ता का है। ये एक पूड़ी खा लो तो एकदम ऐसा पेट भर जा रहा था, इतना मोटा मोटा पूड़ी भाभी ने बनाया था। और ये देखिए, यहाँ पे भाभी ने पुलाव बनाया है, चिकन सलाद काट के रखा हुआ है। ये बर्थडे के दिन का वीडियो है जो कि चूल्हा पे बना था खाना। और ये देखें, ये चिकन बिरयानी है जो कि भाईजान ने बनाया था और भाईजान ही निकाल निकाल सबको दे भी रहे हैं। और ये सेवई मैंने बनाया था। बकरीद के दिन की वीडियो है। सब लोग नमाज पढ़ के आके सेवई खा रहे थे। ये माशाल्लाह मेरे तीनों भतीजे हैं और उधर छोटे मियाँ, वो तो आप लोग जानते होंगे, ये मेरे बेटा है यासीन। सेवई और छोला रखा हुआ है यहाँ।
और ये जो फर्स्ट नंबर में है ये मेरे भतीजा है, और वो जल्दी वीडियो में नहीं आता है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कलर आई है। और ये देखिए, ये एक पतीली सेवई मैंने बनाया था। और यहाँ सेवई निकाल लिया है, यहाँ चिकन भी बन चुका है, पुलाव भी रेडी है। और मैं यहाँ पे सेवई को घी में भूज रही हूँ। और ये बन के तैयार। रात का खाना मैंने बेटा के लिए लेके आया है, क्योंकि बेटा को अभी भी खिलाना पड़ता है अपने हाथ से। और ये देखें, यहाँ पे फ्रूट भी है, पकौड़ी भी है, प्याज की पकौड़ी, बेसन की, चना। और यहाँ देखें, ये कोयले पे चिकन सीख लग रहा है। ये भैया ना इसको दुबई से लेके आए हुए हैं ये सीख लगाने वाला। ये पूरा आग दहक रहा है। और यहाँ बन के हो गया है रेडी, तो शाम में सब लोग भुजा के साथ खा रहे हैं। और निकल गया है, और ये लोग लगा भी दिया है ताकि बनता रहे। और ये सब लेडीज लोग बैठ के खा रहे हैं लोग। और यहाँ भी खाना रेडी है, ये दावत पे है। इसमें चिकन मटन दोनों है, जिसको जो पसंद है वो खाए।
आग बुझ रहा है तो ये लोग पंखा जल रहे हैं ताकि आग जलते हुए रहे। ये रात का खाना का है। बैगन का भट्टा भी है, मछली भी है, प्याज और आलू का भुजिया। ये दोपहर के खाने का है। ये मेरी अपनी लोग आई हुई थी तब का है और ये सुबह का नाश्ता का है। सेम आलू की सब्जी है। और ये वीडियो तो हमारे पप्पी के घर गए हुए थे तब की है, जो कि उन्होंने सोचा कि हम ही चाय वगैरह बना देते हैं। और ये रहा चिकन मम्मी, और ये देखिए कितनी बड़ी पतीली में गोश्त बन रहा है। ये फुफेरी बहन का मैरिज एनिवर्सरी था, उस दिन का था, तो उस दिन भी हम लोगों ने ही हेल्प किया और वहाँ हम लोगों ने बनाया इसको। यह मसाला तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए ये चिकन में हम लोगों ने दही डाल करके इसको फ्राई कर दिया है, फ्राई कर देना। इतने सारे प्याज भी कट चुके हैं, अब बारी है चिकन धोने की। चिकन मैं धोने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं वो चिकन को उसके अंदर से वो जो कचड़े होते हैं उसको निकाल दूँ, वरना उसी से गोश्त का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमने कितने फ्रेश इसको कर दिया, जो चमड़ा वगैरह था उसको भी मैंने निकाल दिया। यहाँ पे चिकन धुल के तैयार हो गया और दही और वो लहसुन का पेस्ट के साथ इसके नींबू वगैरह डाल करके हम लोगों ने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। और इधर प्याज को भी डाल कर देंगे। और यहाँ चिकन मसाला तैयार। चिकन भी फ्राई। अब हो गया रेडी।
और शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम तो भाई चाय पी लेंगे। फूफी से पूछा तो फूफी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं पियेंगे, तो इसलिए हम अपने चाय को बीरबल की खिचड़ी की तरह चला चला के पका रहे हैं इधर। हमको और आपी को ही चाय पीना था, तो इसलिए हम दो ही कप डाले और गिर गई चाय। मैं अपना चाय और मिठाई लेके हम लोग खुद ही बैठ गए। उसके बाद से अगले दिन सुबह में कुछ उठ के हम लोग के लिए खाना बना दी थी, क्योंकि हम लोग को उसी दिन निकलना था। देखिए यहाँ साग भी है। यहाँ फूफी कुकर में ही चावल बनाई है, क्योंकि फूफी का छोटा फैमिली है, बस दो ही लोग हैं। ये छोला देखकर तो किसी के मुंह में पानी आ जाए। और यहाँ अंडा चाय। और ये देखे बच्चे पिकनिक मना रहे हैं छत के ऊपर, तो वो छत के ऊपर ही चूल्हा पे बना रहे थे लोग। और यहाँ देखिए दूसरे नंबर भाई ने, उनको जब उनके जहन पे चढ़ जाए ना सीख लगाना है तो बस लगाना है।